देखिए फ्रेंड्स, हमने हेड लगाने के बाद इसका टैपिट बॉक्स लगा दिया है। अब अपन इसकी टाइमिंग मिलाएंगे। टाइमिंग हमने इंस्टॉल कर दी है, टाइमिंग चेन इसमें नई, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको इसकी टाइमिंग लॉक कैसे होती है, इसके लिए देखिए ये 10 mm का एलंकी है, ये यहाँ पे देखिए कट का स्लॉट है, इसके अंदर स्लॉट में ये फिक्स डलेगी। ये देखिए हिल भी नहीं रही है। उसके बाद में आगे चलते हैं अपन। फ्लाई व्हील लॉक किया है हमने इसका। ये देखिए फ्लाई व्हील के लिए यहाँ पे अपन 14 mm का बोल्ट भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से फ्री रहना चाहिए। ये देखिए फ्लाई व्हील घूम नहीं रहा है, ये लॉक हो गया है। ऐसे अपन इसकी टाइमिंग मिल गई है। इसकी टाइमिंग चेन दिखाऊंगा आपको। ये देखिए इसका फिक्स एडजस्टर और ये वाला इसकी काटा पिन है, ये ऐसे साइड में इस स्लॉट के बराबर रहेगी। ये इंजन हमने सीधा नहीं किया है क्योंकि अभी चैम्बर नहीं लगा है इसके। ये देखिए यहाँ पे 2 बोल्टों के साथ एडजस्टर भी लगा दिया है। इस पे दाब रखेगा चेन पे। ये देखिए चेन में प्ले नहीं है, एकदम बढ़िया सेट हुई है। ये शिफ्ट की वगैरह की टाइमिंग इससे मिलती जुलती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब अपन इसका टाइमिंग कवर लगाएंगे। टाइमिंग कवर लगाने के बाद इसका चैम्बर लगाएंगे, उसके बाद इंजन को सीधा करेंगे।